सबसे पहले शहादत है उनकी बीवी की हमतलही जो कि मियां अब्दुल मनान उमर की बहन थी मौलवी नूरुद्दीन की बेटी थी सुगरा बेगम की बेटी थी तो जब 1914 में खिलाफत कायम हुई तो उस वक्त इस लड़की की उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी कम उम्र थी लेकिन खलीफा साहब ने उस लड़की को यानी हमतलही को इस तरीके से घर के से लेकर गए और जैसे के एक वडेरा नवाब बड़ा आदमी किसी गरीब आदमी की लड़की खूबसूरत लड़की को देख ले तो वो उसकी नजरें ललचा जाए तो उसके घर से ले जाता है तो इस तरीके से वो आया और अम्मा जान से कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ तो उनको ये जरूरत नहीं हुई कि कह दे कि नहीं क्योंकि उस वक़्त वो उनके घरों में रहने उनके पास जरिया माश ही कोई नहीं था वहीं रह गई थी मौली नूरुद्दीन आपके पीछे कुछ छोड़कर गए नहीं थे उसके लिए एक ही मजबूरी थी कि मैं यहीं जिंदगी बसर करूँ खैर छोटी उम्र में ही अब हमतलही को ब्याह कर जबरदस्ती ब्याह कर बल्कि ब्याह कर नहीं जबरदस्ती ब्याह कर लेकर घर ले गए थे ये था उस ये सिर्फ मैं नहीं ब्याह कर रहा ये मैं नहीं आपके सामने पेश कर रहा ये मियाँ अब्दुल मनान उमर अब्दुल वहाब और उसके सारे रिश्तेदार कहते हैं कि हम उसके साथ शादी करने के रजामा नहीं थे लेकिन हम इतने मजबूर थे कि हम उस अपनी बहन को सुगरा बेगम अपनी बेटी को खलीफा महमूद के साथ भेजने के लिए रजामंद हो गई ये है वो शादी का अब आगे चलिए जब शादी हुई तो फिर उसके घर गई तो उसके साथ भी वही सलूक होने लगा जो दूसरी बीवियों के साथ होता था वो सलूक किया है क्या और अपनी बीवी को यही कहता था कि जो मैं हुक्म दूँ वो तुम्हें मानना है उसका पहला हुक्म ये होता था कि आप लोग दूसरे लोगों के सामने अपना आजार बंद अपना आजार बंद खुद खोल ये उसका मुतालबा अब एक नूरुद्दीन की बेटी छोटी उम्र की अब जब उसको ये कहा कि फलां आदमी के सामने अपना आजार बंद खोल दो उसके लिए बड़ी मुसीबत अब उसको मारना शुरू कर दिया लो लुहान कर दिया अब वो लड़की अपने घर पर आती है अपनी माँ के पास और कहती है कि मुझे किस जहन्नम में आपने डाल दिया है किस किस फुर्द आपने मुझे कर दिया है ना मैं जिंदा हूँ ना मैं मुर्दा समझे अगर यही जिंदगी मेरी रही तो मैं किस तरीके से जिंदगी बसर करूँ तो बहरहाल माँ थी सुगरा बेगम उन्होंने कहा कि अच्छा मैं महमूद के पास जाती हूँ और कहती हूँ कि खुदा के लिए अब तो ये काम छोड़ दो तो उस वक़्त फिर सुगरा बेगम अपने मिर्ज़ा महमूद के पास गई जिस कमरे में बैठे हुए थे उसके वहाँ दाखिल हुई अभी अपने लब खोले ही थे तो मिर्ज़ा महमूद उन पर भी दबके और वो बमुश्कर वहाँ का बाल का लोग कहते बमुश्कर अपनी जान बचा कर वहाँ से आए तो इस तरीके से वो फिर अपनी बेटी को उन्होंने यही कहा बेटा अब तो आप बाप उनके घर चली गई हैं जो वो कहता है आपको वो करना पड़ेगा समझिए तो आप अब मजलूम हैं जो कहता है वो माँ तो आखिरकार वो उसी लाइन को इख्तियार किया जो लाइन वो इख्तियार करवाना चाहता था बहरहाल एक औरत थी मजलूम औरत थी उसने फिर दीवान से मखदूम को ख़त लिख दिया कि भैया आप नवाबों को नवाबों के मतलब राजों के मतलब दूसरे बड़े बड़े आदमियों के स्कैंडल बयान करते हैं कादियान में तो उससे बढ़कर स्कैंडल है उसकी तरफ भी तवज्जो करें हमारे साथ औरतों के साथ